अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी लाए हैं हमारी फैमिली में तो सबका फेवरेट है आप भी बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा जी तो आज बनाएंगे थ्री मिल्क केक इसको ट्रेस लीचीज़ केक भी कहते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने छः इंच का एक वनीला स्पंज केक लिया है इस केक की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आई बटन में भी है इसको पैन से निकाल के इसका बटर पेपर हटा के इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लिया था अब इसको दोबारा से उसी पैन में वापस डाल देंगे क्योंकि हमें इसको सोक करना है तो इसके लिए पैन का होना ज़रूरी है अब हम यहाँ पर लेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क ये स्वीट कंडेंस मिल्क है इसमें ऐड करेंगे आधा कपेपोरेटेड मिल्क ये दोनों मिल्क इजीली बाज़ार से टिन पैक्स में मिल जाते हैं लेकिन मैं यहाँ पर होम यूज़ कर रही हूँ अगर आप भी ये घर पर बनाना चाहते हैं तो इनकी रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन में भी है आप ज़रूर देखिएगा एवेपोरेटेड मिल्क डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे रेगुलर मिल्क जो भी हमारे घर में दूध यूज़ होता है वो एक कप लेंगे इस केक में तीन तरह के मिल्क यूज़ होते हैं इसीलिए इसको ट्रेसली चीज यानी थ्री मिल्क केक कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप वनीला स्पंज केक की जगह चॉकलेट स्पंज केक यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं अब हम ये मिल्क्स वाला मिक्सचर लेंगे और ये सारा का सारा केक पैन में डाल देंगे ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए वरना केक अच्छे से सोख नहीं होगा इसीलिए हमने कंडेंस मिल्क और इवेपोरेटेड मिल्क हाफ हाफ कप लिए हैं लेकिन रेगुलर मिल्क हमने वन कप डाला है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन हो जाए अब यहाँ पर मैं एक स्क्वायर की मदद से इसको प्रेक कर रही हूँ इस तरह केक ईज़िली सोख हो जाता है लेकिन ये स्टेप ज़रूरी नहीं है पाँच से दस मिनट में ये सारा मिक्सचर वैसे ही केक में एब्जॉर्ब हो जाएगा अब हम केक पैन को कवर कर देंगे और इसको चार से पाँच घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे चार से पाँच घंटे हो गए हैं अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेंगे आधा कप वीपिंग क्रीम लेंगे वीपिंग क्रीम मैंने थोड़ी देर पहले ही फ्रीज़र से निकाली है इसलिए इसमें आइस भी है तो पहले हम इसकी आइस ख़त्म करेंगे इसको हम लो स्पीड पे तीन से चार मिनट के लिए बीट करेंगे तो इसमें से आइस क्रिस्टल्स ख़त्म हो जाएंगे मैंने यहाँ पर स्टैंड मिक्सर यूज़ किया है क्योंकि उससे वीडियो बनाना ईजी हो जाता है लेकिन ये क्रीम हैंड बीटर से भी ईजीली विप हो जाती है लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड बीटर भी नहीं है तो विस से इसको विप करना थोड़ा मुश्किल होता है तीन से चार मिनट हो गए हैं और क्रीम बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गई है और इसमें से सारे आइस क्रिस्टल्स ख़त्म हो गए हैं अब हम इसको हाई स्पीड पे बीट करेंगे और चार से पाँच मिनट में ही क्रीम बिल्कुल विप हो जाएगी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी सी मज़े मज़े की वीडियोस देखने को मिलती रहें जी तो चार से पाँच मिनट हो गए हैं और क्रीम अच्छे से वेप हो गई है आप चाहें तो इस क्रीम को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉकलेट गनाश इस गनाश की रेसिपी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन में भी है अक्सर लोगों को प्लेन क्रीम पसंद नहीं होती और वो केक से हटा देते हैं लेकिन ये गनाश ऐड करने से क्रीम का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है और सब बहुत शौक़ से खाते हैं तो यहाँ पर मैंने तीन से चार चम्मच गनाश के ऐड कर दिए हैं अब इसको भी मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनट में ही गनाश अच्छे से क्रीम में मिक्स हो जाएगा गनाश की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी जगह कैरेमल सॉस स्ट्रॉबेरी प्यूरी या मैंगो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं इस तरह आप अपनी पसंद के किसी भी फ्लेवर में ये केक बना सकते हैं क्रीम को भी एक बार स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे ताकि बोल की साइड्स पे जो वाइट क्रीम लगी रह गई है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए और अक्सर चॉकलेट गिनाश भी बोल की बॉटम में चला जाता है उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम अब रेडी हो गई है अब हम केक को फ्रिज से निकाल लेंगे चार से पाँच घंटे में ये अच्छे से सोख हो जाता है लेकिन आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं अब केक के एजिस को किसी नाइफ की मदद से लूज कर लेंगे ताकि केक निकालते हुए टूट ना जाए अब एक प्लेट लेंगे और उसमें केक को निकाल लेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ थम्सअप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें केक पैन की बॉटम को अच्छे से हाथों से इस तरह टैप करेंगे तो केक इजीली निकल आएगा अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग कर लेंगे सबसे पहले केक की टॉप पर क्रीम लगाएंगे उसको किसी स्पैचुला की मदद से लेवल कर लेंगे और स्मूथ कर लेंगे कुछ लोग पहले केक की टॉप को कवर करते हैं और बाद में साइड्स पर क्रीम लगाते हैं और कुछ लोग पहले केक की साइड्स को कवर करते हैं तो जैसे करना भी आपके लिए इजी हो आप उसी तरह से करें केक की साइड्स भी कवर हो गई हैं अब किसी टिश्यू पेपर या कपड़े की मदद से हम प्लेट को साफ़ कर लेंगे अब यहाँ पर मैंने फिर से चॉकलेट गनाश लिया है इसको 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा फिर इसको पाइपिंग बैग में डाल के केक के साइड पे ड्रिप बना देंगे ड्रिप बनाने से पहले अगर आप केक को 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे तो ड्रिप बहुत अच्छी बनेगी मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने केक को फ्रीज़र में नहीं रखा बाकी का गनाश केक की टॉप पे डाल देंगे और उसको अच्छे से फैला देंगे और उसके बाद आप चाहें तो स्पैचुला की मदद मतलब से इस तरह के नाश डिज़ाइन बना सकते हैं अब केक को 15 मिनट के लिए फ्रीज़ कर देंगे ताकि गनाश अच्छे से सेट हो जाए 15 मिनट के बाद मैंने फ्रीज़र से केक को निकाल लिया है और बाकी की क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में निकाल ली है और उसके आगे वन एम लगाई हुई है क्रीम की मदद से आप केक के ऊपर किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं मेरे बच्चों को ये डिज़ाइन बहुत पसंद है और वो इसको कोन आइसक्रीम वाला डिज़ाइन कहते हैं इसके लिए आपको नोजल को मूव नहीं करना बल्कि एक ही जगह पे थोड़ा ऊपर नीचे करके क्रीम को निकालेंगे तो इस तरह का स्वल सा बन जाएगा और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है जी तो हमारा केक बिल्कुल तैयार हो गया है अभी हम इसको कट भी करेंगे इसमें कंडेंस मिल्क और रिवेपुरटेड मिल्क की वजह से जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही ऑसम होता है बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट होता है और आप इसको बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स में भी बना सकते हैं और वनीला स्पंज की जगह चॉकलेट स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं उसकी रेसिपी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चॉकलेट स्पंज के साथ भी ये बहुत ही मज़े का बनता है केक को कट कर लिया है अब इसका स्लाइस निकाल लेंगे इस केक को अगर आपने किसी इवेंट के लिए बनाना हो तो आप स्पंज बना के उसको एक दिन पहले से सोख करके रख सकते हैं और इवेंट वाले दिन उसको डेकोरेट कर लें आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़